डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं केएमएफ को सरल करने के नियम। इससे पहले हम केएमएफ के बारे में देखे थे कि टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है या फोर वेरिएबल है। उसके पहले लेक्चर में देखे थे आप मिन टर्म और मैक्स टर्म। ठीक है, तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पहला क्या होगा, पहला केएमएफ को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मिन टर्म। ठीक है, क्या पढ़े थे? मिन टर्म। तो मिन टर्म में भी आप, इसमें क्या था, इसे किससे प्रदर्शित कर रहे थे आप? स्मॉल एम से। क्लियर, स्मॉल एम से। और इसमें आपका जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो किस तरीके से होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी, यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। और बराबर किसके होगा? सिग्मा के। यहाँ होगा आपका अनकॉम्प्लीमेंट, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। दूसरा आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मैक्स टर्म क्या पढ़े थे? इसे किससे? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। या फिर क्वेश्चन में कैसे मिल जाएगा आपको? फंक्शन मिलेगा किसका? ए बी सी और डी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ थीम दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। और इसे किससे? पाई से। ठीक है, इसके अंदर अनकॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जब के मैप की बात आएगी तो के मैप का क्या होगा? देखिए, चार वेरिएबल। ध्यान से देखते रहना। अब जब अगर मिन टर्म हो या क्वेश्चन कैसा हो, सिग्मा के जैसा हो, यहां ए बी और सी आप ऊपर नीचे कहीं पर भी रख सकते हो, वो टेंशन नहीं, आंसर सेम आएगा। बस प्रेफर कैसा करते हैं आप कि पहले किससे जाने चाहिए? अल्फाबेट से जाने चाहिए, ए बी। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई मान लीजिए कोई अनकॉम्प्लीमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर है, तो इसे किससे शो करेंगे आप? 1 से। यहाँ किससे दर्शाएंगे आप? 1 से। और अगर मैक्स टर्म हो, पाई की फॉर्म में हो, यहाँ अनकॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो, तो इसे किस में रखेंगे आप? 0 में। यहाँ कितना रखेंगे? 0। तो अगर क्वेश्चन कह दिया जाए पहले के लिए, क्या कह दिया जाए? ये किसके लिए है? मिड टर्म के लिए कह दिया जाए कि इसमें क्या है? 1। इसमें क्या है? जितना भी है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ 1 1 इस तरीके से। ठीक है, और मैक्स टर्म के लिए होगा, तो मैक्स टर्म के लिए क्या करेंगे आप? ये ए बी सी डी है ना। तो अगर इसके लिए होगा, ये किसका? मैक्स टर्म का, या फिर पाई, किसमें भी हो सकता है। तो यहाँ क्या रखोगे? 0 0 0। इसमें किससे? 0 से शो करोगे। क्लियर, इतना समझ में आया? कितना? 0 से शो करोगे। और जो आप सॉल्यूशन रहेगा, किसका? तीसरा पॉइंट लिखिए इसका। इसका जो सॉल्यूशन करोगे, चलिए बाद में देखेंगे, अब पहले एक पॉइंट देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? देखिए, अब जब इसमें आउटपुट, इसे साफ करते हैं, दो पॉइंट ये लिख लेना, याद कर लेना। यहां तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट लिखिए, आउटपुट वह वेरिएबल लिखते हैं जो दोनों तरफ कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहां से समझिए, अभी वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ग्रुपिंग एक की करेंगे, चार की करेंगे। ठीक है, अभी पहले ये देखिए, ए बी और सी डी है ना, ये यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, मान लीजिए यहाँ 1 1 है, 1 1 है मेन टर्म के लिए, तो ये बनाएंगे। और यहाँ कितना होगा? ए बार बी बार, और यहाँ होगा ए बार बी, ऐसे इसमें सी बार और डी बार। एक यहाँ 1 है, ये 4 का बना दिया। अब देखो यहां कितना होगा? C बार और D। तो जो आउटपुट जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन यहां देखो क्या है कि ये है आपका A, क्या है? A।
और यहाँ बी कैमरा चेंज हो रहा है तो इसे नहीं लिखेंगे जो चेंज हो रहा हो। और यहाँ देखो यहाँ का क्या कॉमन है आपका सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बार सी, तो यही क्या होगा इसका आउटपुट होगा। तो आउटपुट में क्या चीज लेते हैं आप कॉमन वाली, ठीक है। चलिए एक बार फिर अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें क्या होगा कि मिन टर्म को देखिए मैक्स टर्म के मैप को मिन टर्म की तरह सोल्व करते हैं, किसकी तरह सोल्व करते हैं मेन टर्म की तरह। फिर उसके बाद क्या करेंगे जो आउटपुट आएगा उसे क्या करो बाहर कर दो। तो मैक्स टर्म प्राप्त करने के लिए मैक्स टर्म प्राप्त करने के लिए मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब अभी आपकी आउटपुट कितना मिला था ए बार सी बार ये मिला था, अगर मुझे चाहिए किसका है आपका मिन टर्म का, और मिन टर्म का आपको चाहिए किसका मैक्स टर्म का, तो मैक्स टर्म का क्या होगा मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट। तो मिन टर्म क्या है ए सी और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका ए बार प्लस सी बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दोगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस सी, ये क्या होगा मैक्स टर्म, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन से समझने वाले हैं, ठीक है, किससे क्वेश्चन से। तो आप एक पॉइंट और लिखिए इसमें, सबसे पहले आठ की ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले किसे नंबर प्रेफर करोगे आप आठ को, चाहे ओवरलैपिंग से बनना हो कैसे ही बनना हो। फिर उसके बाद हाँ फिर नेक्स्ट में सेकंड नंबर पे फोर की ग्रुपिंग करते हैं, फिर थर्ड पर टू की ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं आप क्या बोलते हैं ऑक्टेट, इसे क्वार्ट्स और इसे पेयर। तो सबसे पहले वो क्या बनाओगे आप ऑक्टेट बनाओगे, फिर क्वार्ट्स बनाओगे, फिर पेयर बनाओगे, और जो सिंगल बच जाएगा उसे सिंगल को भी लिखोगे, ठीक है। चलिए समझते रहना कि पहले क्या बनाओगे आप ऑक्ट बनाओगे, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी कि ऑक्ट बनाने की, ऑक्टेट बनाने की। अगर उसके बाद चाहे आप ओवरलैपिंग से बनाइए कैसे ही बनाइए, उसके बाद आप किस पे जाओगे क्वार्ट्स पे जाओगे, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है आपके क्वार्ट्स की बनाने की। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन से, नंबर एक क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है एफ ए बी सी और डी बराबर, ठीक है, बराबर कितना है आपका सिग्मा 0 1 और आपका 2 2 के बाद 4 4 के बाद 5 और 6, ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है इस तरीके का। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या बनाओगे, कितने वेरिएबल हैं चार, तो स्क्वायर कितने बनेंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितना आ गया 16, तो 16 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है, कितने स्क्वायर बनेंगे 16, कितने स्क्वायर बनेंगे 16। चलिए चलिए अब क्या होगा कि यहाँ क्या होगा आपका a b और c d, ठीक है, ये इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ए बी और सी डी कैसे आया, यहाँ जो मिड टर्म और मैक्स टर्म पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ क्या रहता है 0, यहाँ 1 2 3, ये भी बता चुके हैं यहाँ ये किस तरीके से फिल करते हैं, ठीक है, और यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 12 13 14 और
15 क्लियर। अब देखो अब क्या है कि अब मुझे यहाँ वन की पोजीशन भरनी है। क्यों क्यों वन रखूंगा, क्योंकि कौन सी टर्म है आपकी, मिन टर्म। मिन टर्म में सबसे पहले प्रेफर कैसे करते हो आप वन रखते हो अनकॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका कैसा अनकॉम्प्लीमेंट। तो जीरो की जगह वन रखोगे, चलिए फिर वन की जगह वन रखोगे, ठीक है। फिर फोर, फोर कहाँ होगा, यहाँ फोर की जगह। फिर फाइव की जगह, ठीक है। फिर टू पर भी है, टू पर। फिर सिक्स, ठीक है। अब आपको हम सबसे पहले बताए हैं कि सबसे पहले आप किसकी ग्रुपिंग करोगे, किसकी ग्रुपिंग करोगे। पहले सबसे पहले आठ बनाने की, आठ क्वार्ट्स बनाने की ग्रुपिंग करोगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले आठ, तो आठ तो पहले बन भी नहीं है, तो कितने हैं छः, तो आठ तो बनेगा ही नहीं। तो उसके बाद क्या बनाने की कोशिश करेंगे आप, फोर की पेयर क्वार्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्वार्ट्स, जहाँ क्वार्ट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ चार मिल रहे हो। तो चार कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है आपके चार, ठीक है, एक नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं आप कि उसके बाद फिर चार बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखो चार बनाने के लिए क्या होगा, या तो उसके बाद अगर चार नहीं बन रहा हो तो क्या बनाते थे, पेयर। तो यहाँ देखो सिंपली पेयर बन रहा है ना, तो पेयर हम नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ से कुछ में क्या होगा, इस तरीके से पेयर बना दोगे तो वो गलत है हमेशा। क्या है गलत, क्या होगा, इस तरीके से अगर आप पेयर बना दोगे तो ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि और भी इसके बाद भी मिनिमाइज हो सकता है। तो पेयर नहीं बनाओगे आप, क्या बनाओगे, ओवरलैपिंग कर ओवरलैपिंग। देखो अगर इसे इस तरीके से फोल्ड करोगे, इस तरीके से फोल्ड करोगे, तो ये वन और दो वन, ये मिलने के बाद क्या बनाएंगे आपका क्वार्ट्स, ठीक है। ये क्या होगा, टू नंबर का, क्लियर। अब देखो यहाँ क्या होता है आपका, ए बी बार, ए बी बार, ए बार बी, ए बी, यहाँ क्या होगा ए बी बार, क्लियर। फिर यहाँ ऐसे क्या होगा आपका, सी बार डी बार, ठीक है। और यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ सी बार डी, और यहाँ सी डी, और यहाँ कितना होगा, सी डी बी डी बार, क्लियर। अब देखो आउटपुट जो लिखने का तरीका होगा, आउटपुट कैसे लिखोगे आप, आउटपुट लिखने के लिए क्या करोगे, ये देखो बाई, बाई बराबर यहाँ लिखोगे, बाई बराबर कितना आएगा, अब मिनिमाइज करोगे इस, मिनिमाइज करोगे तो पहले कौन सा, एक नंबर एक वाला उठाओ। तो यहाँ से देखो ये वन है और ये वन है, इन दोनों के लिए सेम क्या है, सेम पहले ही बताएं, सेम जो होगा वही आएगा आपका, बी बार और यहाँ बी है, तो बी तो बी बार तो नहीं आएगा, क्या बचेगा, ए बार इसमें भी, ए बार इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका, ए बार, क्लियर। अब देखो इसी की गुणा में, यहाँ गुणाई तो लिखते थे इन चारों की, तो यहाँ गुणा में अब ये कितना आएगा आपका, इसमें देखो क्या कॉमन है, तो डी बार और डी चेंज हो रहा है तो क्या है, सी बार, समझ में आ रहा है। दूसरा, फिर आपका जो आपकी मिन टर्म होती है उसमें क्या होता है आपका, पहले होता है प्रोडक्ट, फिर उसके बाद क्या होता है सम, ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा ग्रुपिंग कौन सी है, ये वाली, देखो इसके लिए दो वन ये हैं और दो वन ये हैं, तो इसके लिए देखो इन दोनों में क्या चेंज हो रहा है आपका, बी बार चेंज हो रहा है तो नहीं लेंगे, ए बार है, तो कितना आ जाएगा, ए बार, क्लियर। उसके बाद ये वाला बन और ये वाले बन, इन दोनों बन के लिए यहाँ देखो ऊपर ये है और ये वाला कुछ चेंज हो रहा है, देखो सी बार यहाँ है, सी यहाँ है, तो सी बार चेंज हो रहा है, डी बार सेम है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डी बार, ठीक है। यही होगा इसका रिड्यूस, इसके बाद कोई भी रिड्यूस नहीं हो सकता, कितना भी रिड्यूस नहीं हो सकता, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर, समझ में आया, ठीक है। इसकी जगह देखो, इसकी आउटपुट की जगह आपसे ये भी कह सकता है, देखो यहाँ यहाँ क्या भरेगा, भर सकता है, यानी कि जीरो पर क्या होता है, ए बार बी बार सी बार और डी बार, क्लियर। फिर वन, वन पर क्या होगा आपका, यहाँ होगा कोमा, क्या होगा, ए बार बी बार सी बार और डी, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद, उसके बाद फोर, टू, टू पर क्या होगा, ए बार बी बार सी और डी बार, ठीक है। फोर, फोर पर कितना होगा आपका, ए बार बी सी बार और डी, ठीक है। फिर फाइव पर, फाइव पर कितना होगा आपका, ए बार बी सी बार और डी। और फिर सिक्स, सिक्स पर कितना होगा आपका, ए बार बी सी डी बार। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, तो तब भी आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ ये पोजीशन हो वहाँ वहाँ बन रखना, दोनों सेम होंगे, ये भी, ये मान किसका, जीरो का, ये मान किसका, वन का। तो ये पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि यहाँ ये ए बार, ए बार आता है, ए बी बार, सी बार, ये कहाँ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए फंक्शन क्या है ए बी सी और डी है ना, और इसमें क्या है आपका देखिए मिनटर में क्या है आपका जीरो जीरो, फिर उसके बाद है आपका टू, और फिर उसके बाद सेवन, सेवन के बाद है आपका टेन, फिर टेन के बाद लिखिए ट्वेल्व और थर्टीन। क्लियर? अब देखो इसका बनाना है आपको, अब बनाओ चलो, कितने वेरिएबल हैं चार, तो स्क्वायर कितने होंगे आपके सोलह, तो बनाओ है ना। देखो ए बी और आपका सी डी, क्लियर? अब यहाँ देखो स्क्वायर कितने बनाने हैं आपको सोलह, बना लोगे ना आप, तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहां कितना होगा, यहां जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। ये कैसे पुट कर रहे हैं, ये पीछे वाली वीडियो में है मिन टर्म और मैक्स टर्म में, उसमें आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा आपका सी बार डी बार, क्योंकि यहाँ कितना होता है जीरो जीरो, यहाँ कितना आएगा आपका सी बार डी, यहाँ कितना होता है जीरो वन, यहाँ कितना आएगा आपका सी डी, यहाँ कितना होता है वन वन, और यहाँ कितना आएगा आपका वन जीरो, तो कितना आएगा सी डी बार। क्लियर? ऐसे इसमें कितना आएगा आपका ए बी बार, सेम इसकी तरह ए बार बी बार, फिर ए बार बी, फिर ए बी, फिर आपका ए बी बार। क्लियर? अब देखिए मुझे वन रखना है, क्यों? क्योंकि मिन टर्म है आपका, तो वन रखोगे तो पहले कहाँ रखोगे जीरो पर, चलिए जीरो पर रख दिया। अब देखो फिर कितने पर है, टू पर, क्लियर, फिर सेवन पर सेवन, फिर आपका टेन टेन पर, फिर ट्वेल्व ट्वेल्व कहाँ है यहाँ, फिर उसके बाद थर्टीन, ठीक है। अब देखो अब मुझे मेरा सबसे पहला काम क्या होगा क्वार्ट्स बनाने की, ये ऑक्टेट बनाने की, तो वो आठ वन मिलाकर कहीं बन नहीं रहा, नहीं बनना, चलिए। अब देखो फिर उसके बाद क्वार्ट्स बनाने की, तो चार वन कहीं साथ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो अब क्या करोगे उसके बाद पेयर बनाओगे, क्या बनाओगे पेयर। तो देखो एक पेयर तो आपका ये बनेगा, क्लियर, अब कोई वन है साथ में, ऐसे तिरछा नहीं बना सकते, बस जो रो में आ रहा होगा वो ही बनाएंगे, तो एक वन एक ये बन सकता है, ऐसा फोल्ड करोगे तो ये भी बन सकता है ना, ठीक है। तो इसे नंबरिंग कितना दे दो एक, ठीक है, और इसे नंबरिंग कितनी दे दो दो, ठीक है। और कौन सा बन सकता है, एक वन ये बन सकता है इसके साथ ओवरलैपिंग कर, यानी कि एक वन यहाँ से और एक वन यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा आपका थ्री, ठीक है। और उसके बाद ये बच गया तो इसे क्या कर दोगे आप सिंकल बना दोगे, ये कितना हो जाएगा फोर, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये भी ओवरलैपिंग भी करके हम बना सकते हैं, है ना। तो जो इसका आंसर देखिए आउटपुट कितना मिलेगा आपको बताएगा ना। देखो आउटपुट देखो पहले पे जाओ, पहले पेयर पे इस पर, तो इसके लिए देखो ए बी, यानी कि चेंज कुछ नहीं हो रहा, सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी इन दोनों के लिए, फिर यहाँ देखो इन दोनों में इसमें वन है और इसमें वन है ना, ये वन इसमें, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ डी बार चेंज हो रहा है तो कितना आएगा आपका सी बार, क्लियर। चलिए फिर उसके बाद प्लस अब दूसरा पेयर कौन सा है आपका, एक ये और ये वाला दूसरा पेयर हम ये बनाए हैं, तो इसमें देखो ए बी बार दोनों के लिए चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कितना आएगा आपका ए बार बी बार, ठीक है, ए बार बी बार, और यहाँ से इन दोनों के लिए ऊपर वाली लाइन में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ सी बार डी बार है, यहाँ सी डी बार है, तो सी बार चेंज हो रहा है, तो क्या बचेगा आपका डी बार, क्लियर। फिर कितना तीसरा पेयर कौन सा आपका, ये बनना है, तो इन दोनों में देखो इन दोनों में यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है आपका ए बी बार सेम है, ए बार चेंज हो रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका बी बार, कितना आ जाएगा बी बार। फिर यहाँ देखो इन दोनों में कितना है, इन सी डी बार इसके लिए भी है, सी डी बार इसके लिए भी है, तो कितना आ जाएगा सी डी बार, ठीक है। अब चौथा बचा, एक चौथा कौन सा है आपका, ये, तो ये दोनों के लिए सेम है, ये भी इसके लिए भी ए बी ए बार बी है और सी डी है, तो इसमें कितना आ जाएगा
ए बार, बी और सी डी, यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और देखते हैं एक दो नंबर। चलिए देखिए, इधर नोट कर लिए, अब एक और देखते हैं। चलिए है ना, अब देखिए आउटपुट क्या होगा, जीरो जीरो है ना, फिर उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन है ना, फिर उसके बाद आप क्या रखेंगे, एट नाइन, एट नाइन, बस इतना। उसके लिए बनाते हैं आप, चलिए अब तो बनाना सीख जाओगे ना। चलिए कितने स्क्वायर बनेंगे, 16 है ना, तो यहाँ कितना आएगा आपका, ए बी बार और यहाँ सी डी। ठीक है, यहाँ आपके एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, उस पर मत जाइए, आप किस पर रखना है आपने, इसी पर। तो यहाँ देखो फिर कितना है, ए बी, तो यहाँ कितना होगा आपका सी बार डी बार, यहाँ कितना होगा सी बार डी, सी डी और आपका सी डी बार, यहाँ आपका ए बार बी बार, फिर एक इसका आपका आएगा ए बार बी, ए बी और ये आएगा आपका ए बी बार, क्लियर। चलिए अब देखिए वन कहाँ रखते हैं हम, वन वन है ना, अभी मिन टर्म की बात कर रहे हैं, मैक्स टर्म पर स्विच नहीं करें। देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और एंड फिफ्टीन। ठीक है, देखो जीरो पर वन वन, वन पर वन वन, टू पर वन वन, थ्री पर वन, फोर पर भी वन, फाइव पर भी वन, सिक्स पर भी वन, सेवन पर भी वन, फिर एट नाइन, एट नाइन पर वन। तो पहले ही बताएं आपको कि सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश करोगे आप, आठ की ग्रुपिंग। तो देखो आठ की ग्रुप, आठ पेन साथ में है, हाँ है, तो अब देखो क्या बन जाएगा ये, ये तो एक तो ये बना, अब उसके बाद एक और आठ, इनमें भी मिलाकर आठ बन सकता नहीं, तो उसके बाद क्या बनाते हैं हम, क्वाड्स, और उसके बाद पेयर। तो देखिए यहाँ से पेयर तो बन रहा है, मगर ओवरलैपिंग करके, ओवरलैपिंग कर दो यहाँ से और दो यहाँ से उठाओ, ओवरलैपिंग करने के बाद भी आपको क्या बनना है, क्वार्ट्स बनना है। ये कितना आ गया आपका, दूसरा। ठीक है, तो जब इसका आउटपुट लिखोगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट बोलो भाई, बोलो आउटपुट कितना आएगा। देखिए अब इस पे देखिए, इस वाले पे इनके लिए सब चेंज हो रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ सी डी, सी बार डी बार है, यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी, यहाँ सी डी बार, तो इनके लिए तो ये चेंज हो रहा है। सेम इसमें से क्या रहा है, इसमें से रखेंगे आप, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से क्या है, ए बार, क्योंकि बी और यहाँ बी बार, यहाँ बी बार है, यहाँ बी, तो ये नहीं लिखेंगे, जो सेम होगा आप उसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये खत्म, फिर प्लस, अब दूसरे के लिए आप, इसके लिए तो देखो इसमें और इसमें क्या चेंज हो रहा है, ए बार चेंज हो रहा है, तो क्या आ रहा है आपका, बी बार। ठीक है, बी बार, अब यहाँ इन दोनों में देखो सी बार सेम है, डी बार चेंज हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, सी बार, तो यही होगा इसका फाइनल आंसर। देखो कितना, कितने बड़े को कितना छोटा रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एक लास्ट और है, उसके बाद हम आपका मैक्सिमम का देखेंगे। देखिए आपके यहाँ कुछ और रखते हैं, फंक्शन, फंक्शन रखिए पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, तो अब कितना है, सिग्मा, सिग्मा रखिए जीरो जीरो टू टू एट और टेन। ठीक है, ये है आपका, है ना, और एक है आपका दूसरा क्वेश्चन पी क्यू आर एस, इसमें रखिए जीरो वन टू थ्री और एट नाइन टेन और इलेवन, ये दोनों क्वेश्चन। देखिए हम दोनों क्वेश्चन करते हैं अभी, अब देखो कितना आसानी से करोगे, ये पहला क्वेश्चन के लिए है ना, पहले क्वेश्चन के लिए, तो पहले के लिए बनाओ, यहाँ क्या रखोगे, ए, इसमें क्या है पी क्यू,
तो अल्फाबेट से चलेंगे तो क्या होगा, पी क्यू है ना, और यहाँ आर एस, क्लियर। तो सेम रखो, यहाँ कितना होता है, जीरो जीरो, जीरो वन और वन वन और वन जीरो, यहाँ जीरो जीरो, फिर जीरो वन, वन वन और वन जीरो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, पी पी बार क्यू बार, फिर पी बार क्यू, पी क्यू, और यहाँ आ जाएगा पी क्यू बार, ऐसे इसमें आर बार एस, ठीक है, फिर आर और एस, यहाँ आर एस और यहाँ आर एस बार, ठीक है। यहाँ कितना होता है आपका, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, क्लियर। अब देखो पहले इसमें क्या रखो, इसके लिए भी बना लो, क्वेश्चन टू के लिए भी, क्वेश्चन टू के लिए भी, चलिए क्वेश्चन टू के लिए भी बनाते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी पी क्यू है, तो यहाँ लिखिए पी क्यू और आर एस, तो यहाँ कितना होगा, पी बार क्यू बार, और यहाँ पी, फिर क्या होगा, पी बार क्यू, पी क्यू और पी क्यू बार, यहाँ आर बार, ठीक है, आर, तो यहाँ आ जाएगा आर और एस, आर एस और यहाँ आर एस बार, क्लियर। यहाँ कितना होगा आपका, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, ये आपको बहुत छोटा छोटा लिखना है पेपर में, बस आपको याद रहे, है ना। अब पहले क्वेश्चन के लिए, इसके लिए जाओ, इसमें जीरो पे वन, इसका मतलब यहाँ वन, ठीक है, टू पर वन वन, फिर एट पर वन और टेन पर वन, क्लियर। ऐसे इसमें रखो, जीरो पर वन, वन पर वन, टू पर वन, थ्री पर वन, एट पर वन, नाइन पर, टेन, इलेवन, ठीक है, ये वन रख दिया हम। अब देखो ग्रुपिंग करेंगे, देखो ये क्वेश्चन दोनों में से एक आपको 100% पेपर में मिलने वाला है, इस तरीके का आता ही है, ठीक है। तो देखो अब इस तरीके से अगर इसे फोल्ड करोगे तो चारों को मिलकर क्या बनाएंगे आप, एक क्वार्ट्स बनाएंगे, पेयर मत बना देना इसे मिलाकर और इसे मिलाकर, क्वार्ट्स बनाएंगे चार का, ये इसके साथ और ये इसके साथ, है ना, ये फिर इसके साथ, इस तरीके से ये क्या बनाएंगे, ये क्वार्ट्स, ऐसे इसमें, इसमें देखो ये आप क्या करना, इस तरीके से मत क्वार्ट्स बना देना। अब इसमें क्या बनाएंगे आपके, इसके इसमें क्या बनाएंगे आपके, ऑक्टेट, क्योंकि आठ का बनाएंगे, देखो आठ ये ऊपर से मिलेंगे चार, और चार कहाँ से मिलेंगे, नीचे से, क्लियर। तो इसके लिए जो आउटपुट होगा बाई बराबर, ध्यान से सुनते रहना, ये क्या है, चारों हैं, चारों क्या मिलकर बना रहा है, एक क्वार्ट्स। तो इसके लिए जो आउटपुट बनाओगे, तो देखो इन दोनों में यहाँ से देखो कुछ चेंज हो रहा है, पी क्यू यानी कि क्यू बार, क्यू बार, ठीक है, और यहाँ इन दोनों में देखो क्या चेंज हो रहा है आपका, आर चेंज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका, एस बार, बस ये सिंपल सा इसका आंसर है। वरना अगर पेयर बनाते तो क्या लिखते, देखो अगर ये पेयर आप नोट करते तो पेयर के लिए क्या आ जाता, दूसरा आंसर देखना, पी क्यू बार, है ना, क्योंकि इन दोनों के लिए चेंज नहीं हो रहा, फिर क्या है, एस बार, ठीक है, फिर इसमें देखो इसमें क्या है, प्लस पी पी क्यू बार, फिर इसमें क्या है आपका, एस बार, है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, अभी रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होकर आंसर कितना मिलेगा, यही मिलेगा। तो हमें जो फाइनल आंसर क्या चाहिए, ये वाला। अब इसमें देखो इसमें इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, देखो इन दोनों में यहाँ से और यहाँ तक देखो क्या चेंज हो रहा है आपका, पी पी बार चेंज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, क्यू, वो भी क्यू बार, और देखो इन यहाँ से यहाँ तक सेम है कुछ नहीं, सब में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब देखो इसी में, इसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए मैक्स टर्म, क्या कह दिया जाए, ये किसका आंसर है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कह दिया जाए, मैक्स टर्म, क्या कह दिया जाए, मैक्स टर्म, अब किसमें है, ये पाई में, तो अब इसकी जगह क्या रखोगे, जीरो, इसकी जगह क्या रखोगे, अब जीरो, इसकी जगह क्या रखोगे, जीरो, इसमें भी जीरो, क्योंकि मैक्स टर्म में हमेशा अगर पाई में बताए हैं पहले ही, यहाँ क्या रखते हैं, जीरो, सेम कंडीशन, यहाँ क्या रखोगे, जीरो 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 जीरो, फिर जीरो 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 जीरो,
ग्रुपिंग करने का तरीका वो ही सेम। अब इसका आंसर देखो, आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा। और ये किसका आंसर आपका, मिन टर्म का। मुझे चाहिए किसका, मैक्स टर्म का। तो मैक्स टर्म का आंसर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मिन टर्म का, कॉम्प्लीमेंट मिन टर्म का। तो अगर कॉम्प्लीमेंट किसका होता है, मिन टर्म का, तो मिन टर्म का आंसर कितना था आपका, कितना था बोलो भाई, क्यू क्यू बार डॉट एस बार। अब इसका पूरे का बार है, पूरे का बार, तो मुझे पूरे का बार। अब इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दो तो क्या आती थी आपकी डिमॉर्गन्स थ्योरम, क्यू डबल बार प्लस एस डबल बार, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर बोलो भाई, क्यू प्लस एस। यही क्या है इसका आंसर, इस वाले का। ये आंसर कैसा हो गया इसका, पोस वाले का, यानी कि किसका, मैक्स टर्म का। समझ आया, ठीक है। अब देखो इसके लिए आंसर, इसके लिए मिन टर्म की तरह सॉल्व करो, वाई बराबर मिन टर्म की तरह, मिन टर्म की तरह सॉल्व करो। तो इसमें देखो चेंज हो रहा है, तो कितना आएगा आपका क्यू, यहां से देखो क्या है, क्यू बार, बस यही आंसर है। अब ये किसका आंसर है, मिन टर्म का, मुझे किसका चाहिए, पाई का, मैक्स टर्म का, तो कितना होगा, क्यू बार का डबल बार, तो आंसर कितना आएगा, क्यू। और आपको पहले लिखवाए हैं जो आपकी मैक्स टर्म होती है, कॉम्प्लीमेंट किसका होती है, मिन टर्म का। तो अगर ये आपको, अगर ये नोट गेट है तो इसके साथ है, अगर देखो एक यहाँ से रखते हैं क्यू इनपुट, ये क्या है, क्यू इनपुट, तो यहाँ से अगर नोट गेट लगाओ तो क्या मिलेगा, क्यू बार। अब इसके साथ यानी कि जीरो का क्या हो गया, यानी कि यहाँ कितना था, आप बन रखे तो यहाँ क्या मिल गया, जीरो। अब फिर क्या, एक नोट गेट और लगाओ, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट है ये, डबल कॉम्प्लीमेंट, तो अब जीरो का फिर क्या मिल जाएगा, बन, तो ये भी बन था, ये भी बन, तो क्या मिलेगा, जो था वो ही मिलेगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डोंट केयर कंडीशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, ये फंक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से पाई कितना, जीरो वन टू थ्री, फिर फोर फाइव और एट नाइन, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये तो बना लोगे ना, चलिए ये तो अब आपको आ जाना चाहिए, ये तो बहुत इजी हो गया। यहाँ ए बी सी डी, क्लियर, ठीक है। यहाँ कितना होगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, और ये आपका ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, और आपका सी डी बार। यहाँ कितना होता था आपका, बोलो भाई, यहाँ होता था जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और एंड फिफ्टीन। अब देखो कहाँ कहाँ है, पाई है तो क्या भरेंगे आप, जीरो, तो जीरो में जीरो, वन में जीरो, टू में जीरो, थ्री में जीरो, फोर में भी जीरो, फाइव में जीरो, जीरो जीरो। अब देखो क्या बनाने की कोशिश करोगे आप, क्या बनाने की कोशिश करोगे आप, सबसे पहले क्वार्ट्स बनाने की, ऑक्टेट बनाने की कोशिश करो। तो ऑक्टेट तो कहीं मिलके बनेगा नहीं, चार ये रह गए, आठ होने चाहिए उसके लिए, तो ये बनेगा नहीं। तो हम क्या बनाएंगे पहले, क्वार्ट्स, तो एक क्वार्ट्स ये बना, ठीक है, चार की ग्रुप पे। फिर उसके बाद है, देखो उसके बाद कुछ बनना है, हाँ एक ये बनना है, इसे नंबर को इतना दे दो एक। अब इसे एक ये बनना है ना, ये दो, ठीक है। अब देखो ये दोनों बच गए, तो पेयर बन रहा है, पेयर नहीं बनाना, फिर ऑक्टेट बनाना, ओवरलैपिंग करो यहां से, ये जितनी ओवरलैपिंग करके बन रहा है तो सबसे पहले वो ही बनाएंगे। तो ये कितना है, तीन। तो अब आंसर लिख दो आउटपुट, वाई बराबर कितना होगा। इसके लिए देखो ये सब चेंज हो रहा है, तो क्या बचेगा आपका, ए बार बी, क्लियर। दूसरे नंबर पर कौन सा, ये वाला, तो इसके लिए देखो इसमें क्या है, चेंज क्या है, बी बार, तो क्या बचेगा, ए बार, ए बार, और इसमें क्या है, सी बार, क्लियर। अब इसमें, इसमें देखो सॉरी, इसमें देखो इन दोनों में चेंज क्या है, यहाँ क्या, ए बार बी बार और ए बी, यानी कि ए बार चेंज हो रहा है, तो क्या बचेगा, बी बार, बी बार। अब इन दोनों में देखो क्या चेंज हो रहा है आपका, डी, तो क्या बचेगा, सी बार, है ना। अब ये हम निकाले किसका, आपका
मेन टर्म का, मतलब मैक्स टर्म का चाहिए तो क्या हो जाएगा, मेन टर्म का बार, तो इस पर बार लगा दो, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी बार पूरे का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है ना, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम डी एम लगा दो, डी एम, तो ये कितना हो जाएगा, ए ए ए बार बी बार का बार, ठीक है, डॉट, फिर ए बार सी बार, ठीक है, फिर डॉट बी बार सी बार का बार। अब फिर इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो तो कितना आ जाएगा, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, है ना, फिर डॉट ए डबल बार प्लस सी डबल बार, डॉट बी डबल बार प्लस सी डबल बार, और जिसका डबल बार होता है आपको क्या मिलता है, वही मिलता है आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी फिर ए प्लस सी फिर बी प्लस सी, और यही किसका होगा, इसका आंसर, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।